बरसात के चलते टिहरी में ग्राम सभा छनाड़ गांव के थानसारी में एक आवासीय भवन क्षतिग्रस्त हो गया। रात को पूरा परिवार घर में सोया हुआ था। बाहर बारिश लगी हुई थी। आधी रात को घर के पीछे की दीवार गिरने लगी। थोड़ी देर में पूरा मकान तबाह हो गया। किसी तरीके से पूरा परिवार वहां से बाहर निकल पाया। पीड़ित परिवार को लोगों ने अपने घर में रखा हुआ है। घर के अंदर सारा सामान तबाह हो गया। यह पीड़ित परिवार बहुत गरीब है, जिनका आशियाना उजड़ चुका है। परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। परिवार वालों का कहना है कि अभी तक प्रशासन से कोई भी नुमाइंदा वहां पर नहीं पहुंचा। देखो देव साहब, सरकार जानी हम क्या, हम तो यहाँ पर देखो हमारे मकान है, हमारे बच्चे नाती नतीन सब यहीं पढ़ते, गाय भैंस भी यहीं, भांडे बर्तन सब यहीं रहते 12 मास। हमारे बच्चे स्कूल भी यहीं से जाते हैं सब। यहाँ देखो कितने खंडमंड हो गए, हम तो रात मर गए थे। सब भांडे कुंडे सब दब गए, बच्चे भी जो है ये भी परेशान हुए। दुकान घर तब खुलाया है तो वहाँ सब बच्चे वहाँ ले गए, गाय भैंस बाहर खोल दे डर के, सब भांडे कुंडे वहीं दब गए। तो अब सरकार की मर्जी है साहब, अब हम क्या करें, हमारे बस की क्या है। हम तो नेक आदमी है, बुढ़ा आदमी, हम तो कुछ कर नहीं सकते। बच्चा लोग भी ऐसी परेशानी है। सर जी, हमारा तो यही मकान है, हमारी पूरी प्रॉपर्टी यही थी, जो भी है यहाँ पे हमारा जो काफी सामान दबा हुआ है अंदर, खाने पीने का सामान, बिस्तरे विस्तरे सारे कुछ यही दबा हुआ है। और यह कल रात को जो है बहुत बारिश जो है बहुत रात को हुई, तो रात को जो है हम किसी दूसरे के घर पे जा रहे थे। मेरे बच्चे भी हैं सारे, रात को बड़ी मुश्किल से जो है अपने अपने परिवार को बचाया। क्या क्या चाहते हो आप, क्या मदद चाहते हो सरकार से? भाई सरकार से अभी तो कोई आया भी नहीं हमारे पास। सरकार से तो मदद ये चाहते हैं कि भाई हमारे मुआवजा देखे या मौके पे आके जो हमें। वहीं दूसरी ओर पहाड़ों की रानी मसूरी में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर में कई जगह मलबा आने से यातायात पर असर पड़ा है। पर्यटक स्थल कंपनी गार्डन के मुख्य मार्ग में LBS अकादमी के निर्माणाधीन आवास का भारी भरकम पुस्ता गिरने से मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। कंपनी गार्डन जा रहे सैलानियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, साथ ही स्कूली छात्रों को भी परेशानी उठानी पड़ी। वहीं गार्डन संचालक कह रहे हैं कि घटिया निर्माण होने से लाखों का पुस्ता गिरा है। यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को तो बहुत दिक्कत हो रही है, और स्कूल के बच्चे जो हैं सुबह भी ऊपर से आए हैं, अभी ये जब छुट्टी होगी तब भी ऊपर से जाना पड़ेगा उन्हें, रास्ता खुल नहीं पा रहा है। और वो तो सर ये है कि रात को हुआ, अगर दिन में हो जाता किसी की जान चल जाती तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बड़े दुख की बात है कि इतना घटिया काम हुआ है कि ये 4-5 महीने ही टिक पाया है, और इस समय सीजन चल रहा है, बहुत सारे पर्यटक मसूरी में हैं लेकिन वो कंपनी गार्डन नहीं पहुंच पा रहे हैं, और इससे जो हमारे स्थानीय व्यापारी हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारी प्रशासन से यही अनुरोध है कि इसको जल्दी से जल्दी खोला जाए ताकि टूरिस्टों और व्यापारियों को राहत मिल सके। यहाँ की एक अच्छी जगह में ये बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो फेमस जगह है वो कंपनी बाग उनमें में है। अब जा रहे थे हम घूमने के लिए तो पता चला रास्ते में ये लैंडस्लाइडिंग हुई है, बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि जा नहीं पा रहे हैं, दिक्कतें हो रही हैं, काफी बड़ा एरिया में लैंडस्लाइडिंग है, इस चक्कर में परेशानी। भारी बारिश से यमुनोत्री नेशनल हाईवे में जगह जगह बड़े बड़े बोल्डर आने से यातायात पर असर पड़ा है। नैनबाग डामटा और अगलाड पुल के पास लगातार बारिश से भूस्खलन होने से हाईवे पर मलबा आने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। देवभूमि न्यूज के लिए मसूरी से आशीष भट्ट की रिपोर्ट।